सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपकी लिखी हुई किताबें क्या है, और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर श्री कृष्ण का वस्तुओं में मेडिकल इंस्क्रिप्शंस कैसे हो सकता है सर? आप एक साइंटिस्ट हो सर। हमें दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां कुछ नहीं है, बस आंखें। श्री कृष्ण को भगवान की मोहर लगा के मनुष्य और धरती से अलग मत करो। He is biologically born and brought up on this earth. वो एक अपार बुद्धि, ऊंचे सिद्धांतों से जन्म लेकर इस धरती पर चलने वाले इंसान है। उन्होंने जो धर्म बताया था वो धर्म नहीं, हमारा जीवन है। गीता के द्वारा करोड़ों लोगों को राह दिखाई, उनसे बढ़कर गुरु और कौन हो सकता है? रक्षा के लिए समुद्र के बीच में द्वारका नगरी बसाई, उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है? आंखों से मन की बातें समझाने वाला, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है? बांसुरी बजा के गाय और गोपियों को बांधने वाला, उनसे बड़ा म्यूजिशियन कौन हो सकता है? अच्छी सेहत का संदेश देने वाला, उनसे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है? धर्म के लिए युद्ध करो ये कहने वाला, उससे बड़ा वीर कौन हो सकता है? कमी या कष्ट ना हो ऐसा महसूस कराने वाला, उससे बड़ा राजा कौन हो सकता है? हवन यज्ञ से बारिश बरसाई, उनसे बढ़कर प्रकृति को समझने वाला क्लाइमेटोलॉजिस्ट कौन है? अनकंट्रोलेबल आरपीएम के साथ घूमते सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला, उनसे बढ़कर काइनेटिक इंजीनियर कौन है? उनमें सब फाइटर, सिंगर, टीचर, वॉरियर एंड व्हाट नॉट। ही इज एवरीथिंग। His aura is eternal. He is more than God to me. I worship His excellence. सर, भगवान को पूजने से बढ़कर उन्हें समझना जरूरी है। आपको देखकर आज पता चला है सर, इसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा सर।